सुल्तानपुर लोधी तो विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह वालों एक बन हथी तोड़ दिता गया। अद्धी रात को राणा इंद्र प्रताप सिंह इस बन के उत्ते आते हैं और इस बन प्रशासन के नाल कई चिर बहस तो बाद अपने जोर के उत्ते बन तोड़ के चले जाते हैं। इधर खेत ने तो इधर दरिया आया आ सारा दरिया जो तुम कैमरा घुमा लो पानियों पानी दीदा ये पानी कढ़ना तो है ना कितने तो दरिया च ही जाना पानी दरिया की निवाण इधर न इस करके असं इतने बन वढ़िया ताकि पानी निकल जाए। बहस चल किस गल की रही थी तुम कहने बन वढ़ना बिचों तर्क की दे वो कहें असं सवेरे आके सलाह करके उत्तों परमिशन ले लाँगे फिर तुम दसांगे। मैं क्या लोग डुबली तुरी जाते हैं आप परमिशन आदि गल् करते हैं कानून हाथ चलिया मैं कार्रवाई मेरे इलाके के लोग डिसाइड करे कि मैं सही किया या गलत किया जो ये डिसाइड करे वो कल ही आए हैं कल आने आ काम सब तो पहले इन्हें किया सारे कई तुरे फिरे कई पास मूँह नहीं किया कार दे पासो किवें मत लोगे तुसी विरोधी धिर दे विचो किवें पैसा लैके आना किवें इन्हां लोकां नूं जिहड़ी मार पई आ उस मार तों कढ के जिंदगी इन्हां दी मुड़ लीह ते लैके। मंत्री साहब ने कहा ना पैसे की कोई कमी नहीं इंश्योर करूँगा किसी बंदे नूं कोई इदां दा बंदा नहीं रहेगा जिहनूं मुआवजा ना मिले जो सरकार की पॉलिसी होगी। जाना था रात मच्छर जिते बैठे रहने एक बजे गए ने पूरे एक बजे इन्ना पूरा ही ना देर दे सकते जिन्हें हल बचा लिया बहुत ज़्यादा पानी ही माड़े हालात ने अज रो रहे अखा नम सौ कल चलो डुब गया। एक पासे पंजाब दे विच टुटे बन्ना नू बन के पंजाब दे लोकां नू हड़ां दी मार तो बचाउण दी कोशिश लगातार जारी है दिन रात समाज सेवियां दे नाल नाल कई वड्डे लीडर मैदान दे उत्ते उतरे होए ने पर दूजे पासे हलका सुल्तानपुर लोधी दे विच सुल्तानपुर लोधी तो विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह दे वल्लों एक बन हत्थी तोड़ दिता गया। अद्धी रात नूं राणा इंद्र प्रताप सिंह इस बन के उत्ते आउंदे ने और इस बन नूं प्रशासन दे नाल कई चिर बहस तो बाद अपने जोर दे उत्ते बन नूं तोड़ के चले जाते हैं। समझना चाहवांगे कि आखिर यह सारा कुछ करना क्यों पिया। राणा जी एक पासे दा जोर लगा पिया वड्डे वड्डे लीडर अज बन्नां दे उत्ते आप बोरियां दे भर भर मिट्टी भर भर के बन बन रहे ने तुसीं तोड़ ही दिता। देखो जिथे बनण दी लोड़ है उत्थे बनना चाहीदा ते जिथे वढ़न दी लोड़ है उत्थे वढ़ना चाहीदा। साडे इलाके जिथे बन्नया जा रहा ना उत्थे सतलुज दरिया का पानी खेतों के अंदर आ रहा इस करके बन्नया जा रहा। साडे इलाके आपां ब्यास दरिया के बन्न दे उत्ते खड़े हाँ इधर खेत ने जिमीदारां दे पिंड वसो थोड़ा जिहा मैं चाहूँगा दसदा टैक्नीकली इधर खेत ने तो इधर दरिया आया आ सारा दरिया जे तुसीं कैमरा घुमा लो पानियों पानी दीदा ये पानी कढ़ना तो है ना कितने तो दरिया च ही जाना पानी दरिया की निवाण इधर न इस करके असं इतने बन वढ़िया ताकि पानी निकल जाए। रात बहस बहुत हो रही थी तुहाडियां वीडियोज़ भी सोशल मीडिया से भी आई ने बहस चल किस गल की रही थी तुम कहने बन वढ़ना बिचों तर्क की देंगे वो कहते असं सवेरे आके सलाह करके उत्तों परमिशन ले लाँगे फिर तुम दसांगे। मैं क्या लोग डुबी तुरी जाते आपां परमिशनां दीआं गल्लां करते हैं एक बन्ने मुख्यमंत्री साहब ने कहा भी पैसे की कोई कमी नहीं सारा कुछ कर देंगे जिमीदार बचाउणा तो यही हल से जिमीदार बचाउण दा होर कोई हल नहीं सी। पासे तां इधरों भी लोग डुबे पए ने तुसीं राणा जी तोड़ के पानी होर ऐनू कर दिता इधर भी तो लोग रहिंदे होणगे इधर भी वसो होऊगी इदां आ भाजी जे आपां खब्बे वल नूं वेखीए ना इधर पै जांदा सुल्तानपुर लै के जलंधर नूं ते हुण आ सज्जा पासा वेखीए ये जिहड़ा सज्जा पासा ये 2 किलोमीटर ते 1.5 किलोमीटर ते ब्यास दरिया आ जांदा पानी ने जाना कित्थे दरिया च ही जाना ना। मैं होर फॉर्मूला दस दिंदा तुसीं इस राह ते आए हो इस राह दे उत्ते 3-4 गेट लगे हुआ पुलियां उन्हां चों भी पानी निकल रहा ना वह भी कित्थे जा रहा ब्यास दरिया च ही जा रहा फर्क है मैं थोड़ा वध खोलता तो वध पानी जा रहा। कानून हाथ चलिया मैं कार्रवाई भी कोई नहीं हो जाए कार्रवाई कानून कानून चलो सोचने का फर्ज है किदा सोचिए कानून हाथ लिया। मैं समझदा कि समय की जरूरत सी ते मेरे इलाके के लोग डिसाइड करे कि मैं सही किया या गलत किया जो ये डिसाइड करे वो किन्ने क पिंड है जो पूरे पानी के मार के हेठ सी और फसल भी जिन्हें डुबी पी जी ये दसो काम सही किया गलत बहुत सही किया इस बने पिंड है नहीं कोई भी ये तो 15-20 पिंड ने डेरे जेडे समान कुत्ते कोठियां पे लोग गुरुद्वारा बैठे ने
ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲੋਕ ਘਰੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਨ ਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਨ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, 15-20 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਸਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰਬਾਦ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਸਿਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, 20 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਫਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਫਸਲ, ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੋ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਾਸ, ਹੁਣ ਨਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ, ਫਸਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਡਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਤੋੜਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ ਘਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੱਪੜ ਵਿਛਾੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਕਰਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜ ਕੇ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਰੀਰਾਊਟ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਆਇਆ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਰੀਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, 30-40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੀ ਐਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਹਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਉਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਰ ਦੋ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਲੋਹੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਨ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਆਫ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਓ, ਲੈਵਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-1.5 ਫੁੱਟ,
वो पानी भी कैलकुलेट कर लो कितों कढ़ना असी वो किसी ने गिणती की उस पानी की सरकार दस दे जे की तो पंजा मिनटा दस दे यार पूरे पंजाब इन्ना पानी तुरया फिरता वो किधरों कढ़ना कढ़ना तो हरीके ने ही आं भी हरीके पानी कढ़िया अफसर थोड़े नाल बैसी जाते हैं सरकार वाले पैसे लिया जे सियासी तौर पर देखिए तो मैं लगता शायद वह भी खमियाजा ना कि हल्के भुगतना पै जाए पर फिर राणा जी की जेब अपनी उत्ते तो नहीं भार पै जू देखो इदा जिन्ने जोगा राणा होगा उन्ने जोगा करेगा दूजी गल लोगों की जोड़ा मुआवजा आ पूरा चढ़ के दवाऊंगा मुख्यमंत्री साहब ने कहा ना पैसे की कोई कमी नहीं इंश्योर करूँगा किसी बंदे कोई इदा का बंदा नहीं रहेगा जिन्होंने मुआवजा ना मिले जो सरकार की पॉलिसी होगी नंबर एक नंबर बना पाओगे पूरा ये बंदे है इन्होंने बना देना बेफिक्र रहो तुसी नंबर दो अज सरकार नूं लोड़ हैगी कि इन्हां दे झोने किदां बजाउणे आ दुबारा उहदी पनीरी तैयार सरकार ने की सुल्तानपुर के लोगों के पंजाब के लोगों के लिए की है तो दस देवे किन्ना एरिया चाहिए अज मक्की मैं अपने इलाके बारे कह सकदा दुआबे बारे कह सकदा शाहकोटा कह सकदा मक्की जिमीदारा ने वढ के रखी हुआ वढ़ी आ वह खेत खाली ने सरकार नूं उन्हां नूं 20-30 हज़ार रुपया ठेका देना चाहिए इमीजिएटली अज तो उन्होंने कहो भी पनीरी बीजो तो साढ़े इलाके दे विच पनीरी पूरी होवे दा एक यही तरीका आ इस तों अलावा कोई होर तरीका नहीं जिन्नियां सरकार दीआं जमीनां खाली पईआं उन्हां दे पनीरी बीजी जानी चाहीदी आ ते गोडा रख के लियाओगे लोकां दे लई मैं तो यार होर गल कह दिंदा वो हाईवेआं दी जमीन है ना किन्नी जमीन है हाईवेआं दी कढ़ी तुरी जाने पद्धरी पई आ उत्ते ही पनीरी बीज दिओ पंजाब दी पनीरी पूरी हो जाणी आ वीआं दिनां लई बीज दिओ पद्धरी कीती पई आ साढ़े विचों लंघदी आ बीज दिओ ते पनीरी लोगों का फायदा होजू कारवाइया तो नहीं डर डरते कारवाइया का कोई डर नहीं वेलकम है ठीक है राणा जी गलबात कर ली बहुत बहुत धन्यवाद तो ये सके राणा जी तो प्रताप सिंह सुल्तानपुर लोधी तो विधायक ने हल्के के कुछ लोग भी साढ़े नाल ने बजुर्गों नाल भी गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं बापू जी कितना फायदा फिर मिलेगा एक पास सियासी टक्कर पूरी लगी पई है तुहानू बचाउण लई बन्न तो राणा साहब रात मच्छर जिथे बैठे रहने एक बजे गए ने पूरे एक बजे इन्हें पूरा अं देन दे सकते जिन्हें हम बचा लिया बहुत ज़्यादा पानी इधर इन्ने माड़े हालात ने अज रो रहे हो अखा नाम सौ किलो चलो डुब गया पुछया कोई नहीं आया किसी अफसर ने किसे 100 किले झोना सी लखा रुपए तो बिजाई से खर्चा आ गया हाँ आ गया कोई पहली बार नहीं होगी इन इलाकों तो मार मैं लगता तीजी चौथे साल पै ही जाती 19 पई जी हूँ फिर पै जी बापू जी हौसला रखो पंजाबी कौम जी हौसले नाल जींदी है आप जिनी मर्जी मुसीबत चो वे अपनी मुसीबत में भुल के दूजियां नूं मुसीबत चो कढ़न वाली कौम है तुसीं भी हौसला बरकरार रखना तुहाडे हंजू है वो शायद सरकारां तां अनगौलियां कर सकदियां ने पर जिहड़े लोग तुहानूं देख रहे ने उहनां नूं तुहाडे कल्ले कल्ले हंजू की कीमत पता है कोई अगला कोई बंदोबस्त किसी तरीके की कोई मदद पिंड च पहुँच रही है हाँ रसर पानी पहुँच रहा पट्ठे पुट्ठे पहुँच रहे जी पिंड वाले पहुँचा रहे ने कोई नहीं बापू जी हौसला तुम रखना आप मीडिया भी थोड़े नाल जिथे लोड़ पेगी सारा मीडिया थोड़े नाल खड़ेगा और हंजू थोड़ी अख दे जड़े ने वो इन्हां सरकारां तक जरूर जाणगे तां इह हालात ने अज पंजाब दे उन्हां लोकां दे जिहड़े मेहनत नाल जिन्हां दे वल्लों घर बनाए सी वह भी पानी दे विच डुब गए मेहनत दे नाल 100-100 एकड़ फसल जिहड़ी है वह बीजी सी लखां रुपया खर्च किया गया पर जदों अखीं देखद्या सारा कुछ मिट्टी हो जाए अखी देखद्या सारा कुछ पलों के तहस नहस हो जाए तो उत्तों कोई फिर सरकार जां कोई नुमाइंदा आके बात ना पूछे तो फिर इन अखों के हंजू तो डिगण गई लोड़ है इन लोगों के नाल खड़न की इन्हों के दर्द के इन्हों का दर्द वंडाउण की और इन्हों सहाई होकर इन्हों एक बार फिर इन्हों जिंदगी लीह ते लिया कैमरामैन नरेश सुखविंदर सिंह हमदर्द टीवी।